शिवपुरी जिले की करैरा थाना पुलिस ने अवैध हथियारों को बनाने वाली सामग्री के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वही एक आरोपी भागने में कामयाब रहा है। वही करैरा थाना प्रभारी विनोद छावई ने बताया कि पिछोर से करैरा की ओर दो बदमाश अवैध हथियार के साथ बाइक पर सवार होकर आ रहे थे। सूचना मिलते ही बडौरा चौराहे पर एक बाइक को रोकने का प्रयास किया था, जिसमें बदमाश के पास एक बोरी बरामद हुई और इस बोरी में दो देसी कट्टे और आधी बंदूक पुलिस ने बरामद की। इसके अतिरिक्त बोरे में हथियार बनाने के लिए अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम सतेंद्र लोधी और अनिल लोधी बताया है। दोनों आरोपी करैरा क्षेत्र में अवैध हथियार की फैक्ट्री से हथियार बनाने के लिए आ रहे थे। देखिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो अवैध पदार्थ सट्टा जुआ अबकारी अवैध खनन अवैध हथियार के संबंध में जीरो टॉलरेंस का जो चल रहा है उसी के संबंध में कल दिनांक को 8:30 बजे करैरा पुलिस के इलाका भ्रमण के दौरान सूचना मिली कि दो व्यक्ति बिना नंबर की अपाचे पर अवैध हथियार बनाने का सामान और अवैध हथियार के साथ करैरा तक आ रहे हैं। उस सूचना पर हमारे TI साहब माय स्टाफ के बडौरा चौराहे पर पहुँचे और वहाँ पर सूचना के मुताबिक उधर से एक गाड़ी आई, उस गाड़ी को रोका तो उन्होंने गाड़ी भगाई और गाड़ी वाला एक व्यक्ति भाग गया उसमें से, एक उसमें पकड़ा, उसके पास बोरी रखी थी बीच में जिसमें उसके पास दो छोटे कट्टे और दो बड़े हथियार, चार कट्टे चार राउंड और करीब 25-30 शब्द के अवैध हथियार बनाने का सामान भट्टी वगैरह सारी पकड़ी गई, जिसमें आरोपी जिसको पकड़ा है कल गिरफ्तार किया है उसने अपना नाम सत्येंद्र पुत्र खेमराज लोधी उम्र 20 साल निवासी कमालपुरा थाना पिछोर और जो भाग गया उसका नाम बताया अनिल पिताराम निवास लोधी 21 साल निवासी भीतरगवा थाना पिछोर। वो रात के अंधेरे का फायदा उठा के भाग गए। ये सामान लेके आए थे और कुछ उनके पास बने बनाए भी थे चार कट्टे, वो जो कोई व्यक्ति मिलता है या कहीं भी जाके अट्टा जमाया उन्होंने और अपनी चालू करी बनाए और बेच दिए। 25-27 आम फेट का मुकदमा कायम कर लिया गया है और उनके खिलाफ विवेचना की जा रही है। विवेचना के आधार पर जो तथ्य आएंगे उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।